भाई दीपक ने तो कुकिंग स्टार्ट कर दिया अकेले अकेले, क्या बना रहा है भाई? देखने में भाई बहुत जबरदस्त लग रही है दीपक, काट दे बस अब। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये भाई पत्थर को बार बार निकाल देता है भाई लेडर नीचे से। यहाँ पालक पनीर है और यहाँ अपना मटर पनीर। पता है एक चीज बढ़िया है कि जब हम सोलो करते हैं ना भाई, गुड नाइट भाई। तो भाई इस बार ना थोड़ा सामान आपको थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगेगा क्योंकि किचन सेटअप नहीं है अभी स्कॉर्पियो में, तो इसलिए बाकी अभी सामान निकाल लेते हैं। टेंट हमने ओपन कर ही लिया जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, तो अभी सारी सामान चेयर्स वगैरह निकाल के और कुकिंग करते हैं, कुछ खाने के लिए बनाते हैं क्योंकि सुबह के निकले हुए और अभी टाइम ना 5:15 हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस नाइट कैंपिंग देखने को मिलेगी आज आपको, बाकी यहाँ पे अपनी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, रेंडर पे लगाई हुई है, जल्दी से वीडियो को अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा लेट आएगी वीडियो क्योंकि यहाँ भी नेटवर्क का इशू है भाई, पहाड़ों पर होता ही है। बाकी दीपक बाहर है, सेटअप हमारा डन हो चुका है, लाइट्स लगा दी है, बढ़िया फुल ऑन मजे आ रहे हैं। और भाई सामने देखो यहाँ भी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है बढ़िया, और उधर वहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है ना एक छोटा सा, यहाँ पे स्टेयर जा रही है ऊपर की साइड, तो ये भी एक जगह है बढ़िया सी बैठने के लिए, अच्छी सी लोकेशन है। तो अभी तो वहाँ पे दो कपल्स बैठे हुए हैं, बाकी जब वो खाली हो जाएगी तो हम दोनों जाके बैठेंगे, अपना आराम से इंजॉय करेंगे। वहाँ से व्यू आता है पीछे का और सामने से वैली व्यू भी आ रहा है, हम उसी रोड से आए हैं, बाकी अभी जब उस वाली लोकेशन में जाऊँगा तो दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस नए व्लॉग को, मजा आएगा फुल ऑन नाइट कैंपिंग में, और जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लेते हैं मैं, उसके बाद वीडियो एडिट करने लग गया था, कुछ बनाया नहीं है। शशांक भैया जा चुके हैं जो यहाँ के लोकल, जो हमें इस लोकेशन पर लेके आए, वो शायद कल हमें ज्वाइन करेंगे, बाकी देखते हैं जो भी रहेगा आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं एक और नए व्लॉग को और चलते हैं बाहर, वीडियो अपलोड पे लगा देते हैं, थोड़ा ट्रैवल में एडजस्ट कर लिया करो, आधे एक घंटा ऊपर नीचे आ जाए वीडियो, बाकी देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क मिल जाए तो, अगर वाईफाई मिल गया तो बढ़िया है। गाइस दिस इज आवर कैंपिंग साइट, यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, एक बार दिखाते हैं दीपक अभी क्या करने में लगा हुआ है। तो भाई दीपक ने तो कुकिंग स्टार्ट कर दिया अकेले अकेले, क्या बना रहा है भाई? आज बना रहे हैं भाई आलू की टिक्की, अमूल वाली। क्या बात है, नाइस, अमूल आलू की टिक्कियां बन रही है भाई आज तो, मतलब फुल ऑन। क्या बात है, मार ही डालोगे हैं। नया स्टोव लिया है भाई हमने, ये बढ़िया लग रहा है ना वीडियो में, अच्छा आ रहा है ये। तो कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं भाई, टाइम दिखाऊंगा आपको मैं कितना हो गया, घड़ी बंद होगी क्या, 7:30 हो चुके हैं भाई। ये ले भाई, ये ले, काटो और टेस्ट करो पहले। देखने में भाई बहुत जबरदस्त लग रही है दीपक, काट दे बस अब। टेस्ट खाने में भी जबरदस्त लगी, क्रिस्पी बन गई एकदम, ये सही चीज है। ये बस कुछ नहीं है, बस इसको फ्राई कर लो ना भाई, हम बर्गर में भी यूज कर सकते हैं वैसे, बर्गर में एक नंबर मजा आ जाएगा। वाह भाई टेस्टी कर लूं मैं, मजा है ना। सॉस भी लेके आ रहा मैं, हाँ नॉनवेज भी है, सॉस भी अपने पास। ये ले स्टार्टर्स में अभी चल रही है टिक्कियां। तो भाई फ्लेवर ऐड कर दिया दीपक ने इसमें, टेस्ट करता हूँ मैं उसको। इस सेल्फ कुकिंग का यही मजा है, जो आपको खाना है वो बनाओ अपने स्वाद अनुसार। ये देखो यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं, घी है, ये इधर टिक्की है, अमूल बटर है। आज हमने अपनी टेबल को ही किचन बना दिया, टेबल को किचन बना दिया क्योंकि हम कुछ पर्सनल काम से आए थे और साथ में हम कर रहे हैं कैंपिंग। ये हमने रास्ते में ही ले ली थी देहरादून से। चल रही है कुकिंग, अब मैंने चॉपिंग तो कर दी है, देखो कुछ बना दे बढ़िया सा ना। मशरूम, कैप्सिकम और ऑनियंस काट दिए भाई बढ़िया तरीके से, इसमें बटर पड़ा है पहले से ही। बाकी यार यहाँ पे ना डस्टबिन के लिए भी हमने एक कहाँ गई पॉलिथीन, ये वाली, इसके अंदर डाल देते हैं, मज़ेदार बन जाएगी ना भाई। मसाले वसाले डाल दिए इसमें बढ़िया तरीके से, मज़ा जब ही आएगा। बाकी वाली लाइट परफेक्ट है ना, इससे व्यू अच्छा आ रहा है, टेबल पे आराम से बैठ के कुकिंग कर रहा भाई दीपक आज फुल मज़े के साथ।
ओहो, बटर देख के अलग ही फील आ रही है भाई, खुशबू आ रही है अच्छी वाली। बहुत बढ़िया तरीके से चॉपिंग करी है तुम्हारे भाई ने, नेचुरल साउंड एंजॉय करो अभी आप। कैप्सिकम हमेशा प्याज के साथ डालो, फिर ये भी टाइम लेती है भाई थोड़ा सा ना पकने में। मशरूम आप एंड में भी डाल सकते हो, बाकी इसमें मसाला डाल दो दीपक। ये वाला मसाला डलते ही खुशबू आ जाती है इसकी ना। ओ भाई ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है ना यार, मस्त है ना। यहाँ पे ना वेदर बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ी बात ये है, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत बढ़िया वेदर है। और उसके साथ साथ ये मस्त वाली कुकिंग, चाट मसाला शर्मा जी स्पेशल है ये चाट मसाला। मशरूम क्या बात है भाई, क्या बात है, फुल ऑन वाइब्स विद कुकिंग, कैंपिंग एंड कुकिंग, अमेजिंग। मेरे को तो खुशबू जो आ रही है ना भाई, वो आपको वीडियो के थ्रू नहीं पता चल रही होगी, बाकी क्या मस्त वाली खुशबू आ रही है। बस ये पक जाए एक बार फिर उसको खाएंगे मस्त। और भाई डाइट में भी हमने कुछ अपग्रेड कर दिया ना, तो अब इस तरीके की डाइट ही ले रहा हूँ मैं घर पर भी। कुछ नई चीज़ें सीखी भी है मैंने बनाने के लिए, वो भी आपको कहीं ना कहीं कैंपिंग में देखने को मिलेंगी जल्दी। खुशबू है ना उसका जो लेवल है ना वो बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें दीपक ने डाल दिया तंदूरी सॉस। ये देखो फ्लेवर क्या बढ़िया आया है, अब बस इसको टेस्ट करना है। थोड़ी देर सिम गैस पे इसको चलने देंगे, बढ़िया तरीके से पक जाएगा, उसके बाद खाएंगे आराम से। सामने अपनी कैंपिंग साइट है और हमारे साथ पे ना यहाँ पे है ऑस्कर। ऑस्कर ऑस्कर जर्मन शेपर्ड है भैया का ही, और दो तीन डॉग्स और भी हैं जो आपने पहले भी देखे थे भाई। ऑस्कर हमें कंपनी दे रहा है फुल ऑन, मतलब वहाँ पे हमारा खाना वाना बन रहा है, ये यहाँ पे बैठा है, कभी घूम के उधर आ जाता है, इसको खाने के लिए दे देते हैं, फिर आके यहाँ रेस्ट कर लेता है। इसका एक खतरा है, हमने लैडर के नीचे ना एक पत्थर लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा ना गाड़ी ऐसे टिल्ट होके है तो ये भाई पत्थर को बार बार निकाल देता है भाई लैडर नीचे से। बस ये रात में ना निकाल दे, ये थोड़ा सा खतरा है इसका। लेते हैं, मैं लेके आता हूँ। क्या खाएगा बता, क्या चीज़ है? वैरायटी बहुत है अपने पास। शाही पनीर। ओहो शाही पनीर चाहिए भाई दीपक को, आप शाही पनीर बनाते हैं, पानी डालना पड़ेगा दीपक इसमें थोड़ा सा। आइटम पूरा है भाई अपने पास, शाही पनीर निकालते हैं दीपक के लिए। इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं अपने पास रेडी टू ईट वाली ना, ये है पालक पनीर एंड दिस इज मटर पनीर एंड दिस इज व्हाट, मटर पनीर, मटर पनीर है दीपक, पालक पनीर निकाल लूँ। दो ही हम भाई, हमारी सोलो कार कैंपिंग ही हो रही है यहाँ पे, तो यही दो चीज़ें बनाते हैं आज। और ये बॉयल होगा, बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब क्विक आइटम है ना। मेन कोर्स बनाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं गाइज, लोग बॉयल होने थे फिर उसके बाद डाल दिए उसमें पैकेट। होगा अपना वहाँ नज़ारे के साथ। ओके ऑस्कर डन, ठीक है ऑस्कर ने भाई ओके कर दिया, तो यहाँ पर अपना खाना बनाएंगे बढ़िया सा, और फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे उधर, और वो नज़ारा है ना जो जहाँ से सनसेट आ रहा था उधर जाके बैठ के उधर खाएंगे खाना। एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को कि आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, है ना? फैमिली फ्रेंडली है। हाँ बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली है जगह ही, आप कैंपिंग भी करो। सामने इनका कैफ़े है, यहाँ से अगर कुछ ऑर्डर करना है, हमने यहाँ पे चपाती ऑर्डर करी है, पाँच कितनी आठ चपाती बोल दी हमने बटर वाली, बाकी खाना वाना मतलब हमारे पास सब्जियाँ वगैरह तो है ही रेडी टू ईट वाली, वो कुक करेंगे उसके साथ चपाती आ जाएंगी अपनी वहाँ से। और राइस है अपने पास, अगर राइस की जरूरत पड़ेगी तो राइस बॉईल कर लेंगे। पता है एक चीज़ बढ़िया है कि जब हम सोलो करते हैं ना मज़ा अलग है, मतलब सोलो का अपना मज़ा है, ग्रुप का अपना मज़ा है। तो आज मैं और दीपक ही हैं, बाकी जो यहाँ रिजॉर्ट के ओनर हैं उन भाई ने भी हमें ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अभी स्नैक्स वगैरह जो हमने बनाए वो खाए, मज़ा आया उनको भी। बाकी अब खाना बना लेते हैं, खाना खाएंगे और उधर बैठेंगे थोड़ी देर, और कल का कुछ और प्लान है, कल देखते हैं जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। कि आराम से आज बैठेंगे, रिलैक्सिंग एंड कैंपिंग ही चल रही है अपनी, और यहाँ पे ना ज्यादा क्राउड भी नहीं है, तो भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ा सा देहरादून से हटके है, हिल के ऊपर आके जगह है ये वाली, आउटस्कर्ट्स ऑफ देहरादून बोल सकते हैं उस जगह पे जाके है। बाकी यहाँ पे अब दोनों भाई सोएंगे, मैं स्लीपिंग बैग भी लेके आया हूँ, बाकी हमने कंबल भी ले रखा है, तो इंतजाम पूरा है अपने पास। बाकी यहाँ पे हवा थोड़ी ठंडी चल रही है, ज्यादा ठंड नहीं है, ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। बाकी अभी इसमें पानी रख दिया हमने, तो जल्दी से पानी बॉयल हो जाए, उसके बाद अपना रेडी टू ईट वाला हम यहाँ पे रखते हैं। क्या फायदा है इसमें, सिर्फ पैकेट खोलो और पैकेट को बॉइल्ड वाटर में डाल दो और अपना आराम से कुक हो जाएगा 5 मिनट में।
ना एक प्रोसेस है, जब ये पैकेट ऊपर आ जाए ना तो समझ जाओ ये पक चुका है। तो थोड़ी गैस को कम कर देते हैं भाई क्योंकि ज़्यादा तेज चल रही है। सो गाइज अब चढ़ चुका है इस पे पालक पनीर, मटर पनीर अपना बन चुका है, पालक पनीर बन रहा है भाई। खाना, भूख लग रही है बहुत तेज भाई। स्वीटी भी आ चुकी है अपने पास, स्वीटी स्वीटी भाई अपने साथ कंपनी दे रही है अपने को कैंपिंग में। वैरायटी के डॉग्स हैं यहाँ पे ना, हम आए हैं ना भाई, इतने वैरायटी के डॉग, इतनी ब्रीड देख ली हमने, कितनी प्यारी है स्वीटी। तो भाई स्वीटी हमारी सोई नहीं है, इसको लग रही है भूख, स्वीटी को खिला देते हैं हम बिस्किट। बिस्किट है अपने पास बेटा, एक मिनट रुको, वेट करो, ये लो ब्रेड, मेरी ब्रेड दे दे एक दो भाई। अपना पालक पनीर भी रेडी हो गया है देखो, यहाँ पालक पनीर है और यहाँ अपना मटर पनीर, और करेंगे अब डिनर अपना भाई। भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई पालक पनीर और मटर पनीर लेके जा रहे हैं हम व्यू के पास, और वहाँ पे जाके करेंगे डिनर। मतलब पहले ना हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले थे कहीं पे, यहाँ से आता है ये वाला व्यू, सनसेट का बहुत तगड़ा व्यू आता है यहाँ से। सनराइज तो आई थिंक दूसरी साइड से होने वाला है ना, तो अपनी यहाँ पे टेबल लगा के अपना खाना वाना खाते हैं, डिनर करते हैं। तो डिनर में आज अपने पास है भाई पालक पनीर, मटर पनीर, अनियंस मंगा लिए हैं, और रोटी ये हमने यहीं से ली है रिजॉर्ट से, तवा रोटी बटर वाली, मज़ा आ जाएगा फुल ऑन है ना, एक नंबर। चलो जी अपना खाना वाना खा लेते हैं। ये देखो आप नज़ारे, ये सारा जितना भी दिखाई दे रहा है देहरादून दिखाई दे रहा है आपको। इधर से कहीं से हम आए थे, ये पुल जो था ना इधर से आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा मैं, ड्रोन व्यू लूंगा बढ़िया वाला। ये पुल भी आई थिंक दीपा इस बार बाढ़ आ गई थी तो ये पुल बह गया था ना पूरा। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:30, तो ये अपनी कैंपिंग यहाँ पे चल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे अपने साथ अंकित भैया, एक बार हाई हेलो कर दो हमारे व्यूअर्स को। तो ये अंकित भैया का ये रिजॉर्ट है, तो अभी हमें रूम्स दिखा रहे हो आप, रूम्स देखते हैं इनके रिजॉर्ट के। बाकी अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो फुल ऑन नेचर की फील आएगी भाई आपको यहाँ पे आके ना, और नेचर की फील ऐसी आएगी, पहाड़ पे सिर्फ एक ही रिजॉर्ट है। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, 10 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं है। क्या बात है, ये देखना क्या बढ़िया इन्होंने पेंटिंग वेंटिंग करा रखी है, और ये एक रूम इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बंदर बना रखा है। स्पेशियस रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, बेड लगा रखे हैं दो, आराम से अपना पार्टी वार्टी इंजॉय करो और यहाँ पे आ जाओ। और इधर सिटिंग की अरेंजमेंट कर रखी है, इधर से व्यू दिखेगा पूरा देहरादून, और यहाँ से सामने का व्यू दिखेगा देहरादून का। कितने रूम है अपने पास? 8 रनिंग में है। अच्छा, और बाकी आपका 8 और कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा, मतलब अभी और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अभी? 16 रूम आपका न्यू ईयर पे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये देखो स्वीटी जाएगी दीपक के पीछे पीछे, सोई नहीं है भाई अभी, रात को आपके साथ ही रहेगी। हाँ, ये हमारे सोने के बाद ही सोनी है। सामान कर देते हैं भाई पैक अपना, क्योंकि अब हो गया सोने का टाइम। ये लो स्लीपिंग बैग वगैरह निकाल लेते हैं भाई अपना सोने के लिए। देखो कम्बल निकाल ले अपना, फुल ऑन फन के साथ पूरा रिजॉर्ट हो चुका है भाई खाली। अब यहाँ पे बचे हम सिर्फ, और यहाँ पे दो बंदे अंदर रिजॉर्ट में, बाकी कोई नहीं है। और ये हमारा रूफटॉप टेंट, जिसमें मैंने तो अपना स्लीपिंग बैग डाल दिया, दीपा अपना कम्बल डाल दे ऊपर, तो भाई ऊपर अपने टेंट में और चल के सोते हैं। गुड नाइट स्वीटी, गुड नाइट, जाओ बेटा जाओ, अब आप जाओ, हम भी सोते हैं, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय। भाई स्वीटी नहीं जाएगी जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं, तो कोई नहीं हम भाई अपने टेंट में घुस जाते हैं, दीपक तो घुस चुका है ऑलरेडी। तो भाई हम आ चुके हैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर और अपने टेंट के अंदर, भाई अब आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, सोएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैंपिंग का ना यही मज़ा है कि आप रिजॉर्ट साइड अपना इंजॉय करो, अपना टेंट के अंदर सो, ये फील ही अलग है। अपना अपने को होटल वाली फीलिंग आनी बंद हो चुकी है होटल के अंदर सोने वाली, बट कई बार मजबूरी में रुकना पड़ जाता है। बट भाई जो मज़ा टेंट के अंदर सोने का है ना, वो कहीं भी नहीं है, वो मतलब क्या बताऊँ मैं बार बार बोल के ना, आप अगर फील करोगे कभी एक्सपीरियंस करोगे ना तभी पता चलेगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना यार, लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। ऐसे ही ओवरलैंडिंग की ट्रिप्स आपको देखने को मिलती रहेंगी, ऐसी लोकेशंस हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको भी हेल्प हो जाएगी। बता देता हूँ वैसे तो ऑलमोस्ट सारी वीडियोज में, जंकयार्ड रिजॉर्ट है ये देहरादून से 10-12 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, यहाँ के आप कैंपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक और नंबर भी डाल देंगे, चलो ये कमी भी पूरी कर देंगे जो और लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
जो और लोग नहीं करते उसके लिए तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो, जल्दी से अपने भाइयों के 10,000 करवाओ यार सब्सक्राइबर्स। सोते हैं, अब नींद आ रही है, बहुत तेज आंखें बंद हो रही है बार बार। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इन शॉर्ट ऑफ रीजन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय, गुड नाइट।